प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि स्काई वीपीएन की स्पीड फास्ट हो, तो दोस्तों कैसे फास्ट होगी आज मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये वाला जो वर्ज़न है ये देखें, 4G लाइट सिग्नल बूस्टर। आपने यहाँ पे प्ले स्टोर पर आ जाना है, यहाँ पे लिखना है 4G लाइट, 4G लाइट सिग्नल बूस्टर, सिग्नल बूस्टर। ये देखें, पहला पहला ही आ चुका है 4G लाइट सिग्नल बूस्टर। ठीक है, ये आइकन देख लें, आपने यही डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल मुकम्मल हो जाएगा, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्ले स्टोर से, आपने इसे कर लेना ओपन। ओपन करना है, ओपन करने के बाद अब इसकी सेटिंग कैसे होगी, सेटिंग करने के बाद ये देखें, ऐसे कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एंड आपने यहाँ से एनेबल सर्विस कर देना है। ठीक है, अलाउ विद हिम। ठीक है, आपके पास इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास ये जो 4G है ना, आपकी मुकम्मल 4G हो जाएगी, 3G सिग्नल बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि ये जब चलता है ना, 3G और 4G के सिग्नल आपस में डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड डाउन होना शुरू हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 4G चलेगी। ठीक है, अगर किसी के पास 3G है, अगर किसी के पास फ़ोन 3G है तो यहाँ पे 3G ही शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे 4G लिखा हुआ है यहाँ पे 3G शो करेगा। ठीक है, तो एक और इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं स्टॉप। स्टॉप करने के बाद अब हम आ जाते हैं, एक और है। ठीक है, वहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर हमने आ जाना है मोबाइल नेटवर्क में। ठीक है, यहाँ पर आ जाने के बाद हमने देख लेना है कि हमारी जोन की सिम किस पे है, सिम 1 पे है या 2 पे है। ठीक है, मेरी तो है 2 पे। ठीक है, हम यहाँ से देख लेंगे, 2 का एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा जोन, जोन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पे आपने लिखना है जोन जैसा कि लिखा हुआ है, दूसरे पर लिखना है जोन। ठीक है, जोन डॉट इंटरनेट। ठीक है, लिखने के बाद प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में लिखना है www.facebook.com। ठीक है, लिखने के बाद कर देना है, पोर्ट में लिखना है 192.168.987.0.1। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे आ जाना है आपने। ठीक है, पोर्ट में आ जाना है, प्रॉक्सी में सॉरी लिख दिया है, पोर्ट में आ जाने के बाद आपने पोर्ट में लिखना है 8080 8080। ठीक है, लिखने के बाद हो जाएगा, फिर आपने इसे यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका फुल स्पीड के साथ चलेगा। ठीक है, अब हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।